जय हिंद जय भारत। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल एग्जाम हटवेश शर्मा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने एक वीडियो डाली थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो जॉइनिंग है वो 20 अगस्त को आपकी हो जाएगी और ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब इसको लेकर ना मेरे चैनल पर काफ़ी कमेंट आ रही थी कि ये फेक है या हमने ये नोटिस देखा नहीं है और क्या ये नोटिस सही है और किसी के पास आया नहीं है और किसी ने देखा नहीं, तो इस चीज़ के बारे में हम काफ़ी बात कर रहे थे। तो सबसे पहले बता दूँ, ये नोटिस मेरे पास आया था लेकिन मेरे ईद की ड्यूटी चल रही है, इस वजह से मैं आपको ये नोटिस नहीं दिखा पाया था, लेकिन आज मैं इस नोटिस को आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो देखिए, सीधा इसमें दे रखा है, ये 29 जुलाई 2020 को आपका जारी हुआ है, ठीक है। इसमें साफ साफ दे रखा है, ऊपर आप देख रहे हैं पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसमें आपको दे रखा है, यहाँ पर थोड़ा ये है, ठीक है। बाकी का देखो, यहाँ देख रहे हो, सेवा में अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश। इसमें आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ से देखिए आप ऊपर की साइड से देखिए कि एक सेकेंड थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, यहाँ देखिए ये रहा कि कृपया पुलिस आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2018 के अंतर्गत आरक्षी नागरिक पुलिस के 31,360 और आरक्षी पीएससी के 18,208, यानी कुल मिलाकर जो रिक्रूट हैं वो हैं आपके 49,568 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण कराए जाने के संबंध में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 15/7/2020 को आहूत बैठक के कार्यक्रम संख्या पुलिस आरक्षी 2018 दिनांक 16/7/2007 को संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करें। समझ में आया दोस्तों? नहीं आया, ये आपकी ही भर्ती का ही एक नोटिस है जो कि फेक नहीं है। नीचे दे रखा है कि उक्त कार्यवृत्त के बिंदु संख्या 2 में अपेक्षा अनुसार आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती 2018 के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों के कुल 31,360 जो वैकेंसी हैं सिविल पुलिस की, उसमें से 25,088 पुरुष अभ्यर्थी हैं और दोस्तों 6,272 महिला अभ्यर्थी हैं जो सिविल पुलिस के लिए हैं, ठीक है। बाकी का आरक्षी पीएससी सीधी भर्ती 18,208 जो कि कुल पुरुष हैं, ठीक है। महिला व पुरुष अभ्यर्थियों को 4 चरणों में कराए जाने के प्रथम चरण में लगभग 14,000 संयुक्त वरिष्ठता सूची क्रम में अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण करा देने की अपेक्षा की गई है। जो मैंने दोस्तों पिछली वीडियो में जब मैंने बताया था आपके लिए कि 4 चरणों में ट्रेन होगी, वो भी इस नोटिस में दे रखा है, और बाकी का इसमें दे रखा है कि 14,000 पहले चरण में आएंगे, यहाँ पर दे रखा है साफ साफ, और संयुक्त वरिष्ठता सूची यानी कि रैंक के हिसाब से आपका प्रशिक्षण कराया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात वो भी मैंने आप सभी को बताई थी लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पाए। इसमें दे रखा है, यहाँ पर 3 में दे रखा है, वर्तमान में COVID-19 संक्रमण के कारण सोशल डिस्टेंसिंग के दृष्टिगत जनपदीय पीएससी आरटी से प्राप्त आख्यानुसार आरक्षी नागरिक पुलिस के 31,360 यानी कि आपके 25,088 पुरुष अभ्यर्थी और 6,272 आपकी महिला अभ्यर्थी तथा आरक्षी के 18,208 यानी कुल 49,568 पुरुष महिला पदों पर चयनित अभ्यर्थियों निम्न 4 चरणों में प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है। जो मैंने बताया था अभी तक तो बिल्कुल दोस्तों नोटिस के अनुसार बिल्कुल डायरेक्ट चल रहा है, जो मेरे पास नोटिस थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप क्लियर देख रहे होंगे, यहाँ पर दे रखा है, नीचे ले लेता हूँ थोड़ा इसको, देखिए यहाँ पर साफ दे रखा है चरणबद्ध योजना यानी किस चरण के अनुसार होगी प्रशिक्षण की प्रस्तावित अवधि, प्रस्तावित संख्या पुरुष महिला और कुल संख्या, ठीक है। दोस्तों प्रथम चरण की बात करते हैं तो प्रथम चरण की जो ट्रेनिंग स्टार्ट है वो अगस्त 2020 से शुरू होने वाली है, ठीक है। यानी 20 अगस्त से आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। इसमें 11,110 पुरुष और 2,890 महिलाएं आपकी आएंगी और कुल मिला के 14,000 पहले चरण में आएंगी, ठीक है। और ये जो आएंगे ना दोस्तों, ये आएंगे आपके 14,000 जो आएंगे वो रैंक के हिसाब से आएंगे, जो कि सिविल पुलिस वाले लड़के आएंगे, ठीक है। सिविल पुलिस वाले जो आएंगे वो 14,000 आएंगे, महिलाएं भी आएंगी उसमें 2,890 और पुरुष भी आएंगे 11,110 जो आएंगे वो रैंक के हिसाब से आएंगे, ठीक है, ना कि रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से। उसके बाद द्वितीय चरण में दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मार्च 2021 से, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट अगले ईयर की बात करते हैं, 2021 में आपकी मार्च में द्वितीय चरण आएगा जिसमें 11,110 और 2,890 महिलाएँ और 14,000 पुरुष, मतलब कुल मिला के 14,000 टोटल आ जाएंगे, ठीक है। तृतीय चरण शुरू होगा आपका अक्टूबर 2021 में दोस्तों, इसमें 13,508 पुरुष हैं और 492 महिलाएं हैं और 14,000 इसमें कुल मिला के दे रखा है, ठीक है। बाकी का नीचे दे रखा है, चतुर्थ चरण में मई 2022 से 6 माह का प्रशिक्षण इसमें होना है, इसमें कुल 7,568 पुरुष आएंगे और दोस्तों महिलाएं इसमें कोई भी नहीं आएगी, ठीक है। बाकी का योग आप देख रहे होंगे कि 43,296 पुरुष हैं
और 6872 महिलाएं हैं कुल भर्ती में, और टोटल हो गया 249,568। ठीक है, बाकी का नीचे देख लेते हैं। देखिए इसमें साफ साफ दे रखा है दोस्तों, जो मैंने बताया था आपके लिए कि रिक्रूट आरक्षियों को COVID-19 का टेस्ट कराने के पश्चात स्वस्थ होने की दशा में RTC में आगमन कराया जाना, ये मैंने बताया था कि RTC में जब आपका अब जब आप आओगे तो वहाँ पे पहले आपका COVID-19 का टेस्ट होगा कि आप कोरोना से संक्रमित तो नहीं है। दूसरी बात मैंने बताई थी कि वहाँ पे सैनिटाइज़र और आपका डिस्पेंसर मास्क, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइज़र, बाकी काफ़ी चीज़ों की व्यवस्था RTC में होगी। तो ये भी इसमें दे रखा है कि COVID-19 के संक्रमण को नियंत्रण को दृष्टिगत 85 जनपदी PSC RTC में आपका थर्मल स्कैनर, ऑक्सीमीटर, डिस्पेंसर मास्क, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर, ये काफ़ी चीज़ें होंगी दोस्तों। और दोस्तों आगे भी दिखा रहा हूँ, और बाकी अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और नए हो तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बाकी अब पूर्ण राज मानक 200 रिक्रूट आरक्षी पर 11 चतुर्थ श्रेणी कर्मी के अतिरिक्त COVID-19 के संक्रमण के दृष्टिगत RTC को सैनिटाइज कराने हेतु 8 सोशल के मध्यम आवश्यकता अतिरिक्त कर्मी को रखा जाना है। यानी कि 8 सोशल की वजह से, यानी सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ये आपके 4 चरणों में ट्रेनिंग का उल्लेख हुआ है। ठीक है, अब इसमें दे रखा है देखो कि 21/8/2019 द्वारा 49 रिक्रूट आरक्षण के संबंध में इस प्रशिक्षण कब प्रारंभ होगा, इसका अलाव ना होने के कारण इसका बजट प्रस्ताव में इन रिक्रूटों के प्रशिक्षण पर होने वाले व्यवहार की गणना नहीं की गई, तथा दिनांक 16/11/19 को प्रसिद्ध आय व्यय प्रस्ताव में यह उल्लेख किया गया कि शिक्षकों का प्रशिक्षण प्रारंभ होने से पूर्व प्रशिक्षकों की संख्या के आधार पर तत्व बजट की गणना करते हुए अतिरिक्त बजट की आवश्यकता का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। रिक्रूटरों के प्रशिक्षण के संबंध में जनपदीय PSC RTC से प्राप्त मांग पत्र के आकलन के पश्चात आगामी प्रशिक्षण की वर्तमान आवश्यकता अनुसार प्रस्तावित प्रेरित किया गया है, जिसकी सहायता प्रशिक्षण प्रारंभ होने से पूर्व किया जाना है दोस्तों। ठीक है, अतः आगामी 49568 के आधारभूत प्रशिक्षण कराए के संबंध में उक्त कार्य योजना के अनुसार आधारभूत प्रशिक्षण प्रस्तावित है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये है आपका नोटिस, और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये जो नोटिस है ना वो फेक नहीं है, वो एकदम रियल है दोस्तों। बाकी की आप दिक्कत ना लीजिए, जो मैंने वीडियो में बताया है वो ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और जो लड़के कह रहे थे कि नोटिस कहाँ दिखाइए तो मैं आपको वो नोटिस दिखा चुका हूँ। ठीक है, और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ से घंटे पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले हर एक अपडेट सबसे पहले प्राप्त कर सकें। लाइक करना नहीं भूलें दोस्तों, ठीक है, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो आप डिसलाइक कर सकते हो, मैं आपसे मना भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप नोटिस हो, चाहे आगे आने वाली कोई भी भर्ती हो, चाहे वो SSC GD की हो, चाहे रेलवे की हो, उसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो एग्जाम अटेंप शर्मा को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ से घंटे पर क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाली हर एक अपडेट सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।